एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद रिद्धिमणि। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जम्मू कश्मीर का जो नया मानचित्र सामने आया है, जो हमने पुराना मानचित्र था और नए मानचित्र में क्या बदलाव हुए हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्वेश्चन जो है वो आपके बनते ही है और आपके एग्जाम में आएंगे ही, चाहे कोई भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। तो देखिए, धारा 370 जो है लगने से पहले जम्मू कश्मीर इस टाइप का दिखता था। ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पीओके। पीओके का अर्थ क्या होता है, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र, सीमा है। यहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ एंट्री नहीं कर सकते और भारत के इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, तो इसलिए एक सीमा का निर्धारण किया गया है, एलओसी। एक और सीमा का निर्धारण करती है और वो क्या है, वो है झेलम नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झेलम नदी है वो भी भारत और पाक सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पर भी एक सीमा का निर्धारण है, एलएसी। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन की सीमा के बीच में है। उसके बाद देखिए, ये तो था धारा 370 के समय। तो यहाँ पर कुछ बातें थी उस टाइम, उस समय कुछ बातें थी और वो क्या थी, चलिए उसे आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। धारा 370 के समय जम्मू कश्मीर में कुछ रियायतें थी या फिर कुछ रूल थे, वो क्या थे, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी। तो विधानसभा का जो कार्यकाल था, विधानसभा का कार्यकाल वो कितना था, विधानसभा का कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष का था, जबकि हमारे और बाकी स्टेट देखते हैं तो वहां पर 5 वर्ष का होता है। तो धारा जब 370 हट गई, धारा 370 हटने के बाद विधान परिषद जो है समाप्त कर दिया गया, वहां अब विधान परिषद नहीं होगी, वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं कि हमारे अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब धारा 370 हट गई थी, जब 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब कितने हैं, अब 8 हो गए हैं। वो कैसे हैं वो आप वीडियो पुराना देख सकते हैं। विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष का हो है, 5 वर्ष का है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें थी वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है और कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हम पहले से ही याद किए हुए रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, लेकिन अब कितना हो गया है, 5 वर्ष का। और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल पद था उसे समाप्त कर दिया गया, अब क्या है, उपराज्यपाल, नए उपराज्यपाल, नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। आप इसे अच्छे से नोट कर लें, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर। ये कहाँ के हैं, ये बने हैं लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक है। धारा 370 पहले दोहरी नागरिकता थी, ठीक है, दोहरी नागरिकता थी। अब हटने के बाद क्या हुआ है, नागरिकता समाप्त हो गई है तो एकल नागरिकता ही रह गई है, एकल नागरिकता। इसे आप नोट कर लें क्योंकि कंफ्यूजन होता है। धारा 370 से पृथक संविधान था, पृथक संविधान था जम्मू कश्मीर का, पृथक ध्वज था यानी अलग से ही झंडा था। वर्तमान में एक ही संविधान है, जैसा हमारा झंडा है वैसा ही जम्मू कश्मीर का भी होगा,
यानी कि एक कल ध्वज। ठीक है, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में भारत के कोई भी व्यक्ति जो है वहां जाकर अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। भारत के अन्य राज्यों के व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में जाकर बिल्कुल भी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वर्तमान में अब खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी जो थे उन्हें यहाँ पर बहुत आसानी से नागरिकता प्राप्त हो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं होगी। अब बात आती है राजधानी की। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, और लद्दाख की जो राजधानी है, लद्दाख की राजधानी जो गर्मियों में है ना, गर्मी में क्या होगी, लेह, और सर्दियों में क्या होगी, कारगिल। इसे आपको याद रखना है, गर्मियों में लद्दाख की राजधानी होगी लेह, और सर्दियों में लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या होगी, कारगिल। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। इसे हम सफेद पानी भी बोलते हैं, सफेद पानी भी बोलते हैं। क्या है ये, सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर, ये देखिए लद्दाख के बिल्कुल आप ऊपर देख रहे हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और ये एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछा जाता है तो वो ये है, और इसे सफेद पानी भी कहा जाता है। अब जब आपका जो ये मैप है कब जारी किया गया है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। धारा 370 जो है वो 31 अक्टूबर 2019 है ना, धारा 370 हटाई गई थी, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो क्या बने थे, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मैप है वो कब दर्शाया गया था, 2 नवंबर 2019 को नया जो मैप था ना वो आया है ना, वो सामने आया। जैसे ही 2 नवंबर 2019 को नया मैप जो भारत ने दर्शाया, तो क्या हुआ, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद प्रारंभ हो गया। ये है काला पानी है ना, ये काला पानी है, काला पानी वाला क्षेत्र है, और ये कहां से टच होता है, ये भारत का जो उत्तराखंड है वहां पर जो पिथौरागढ़ जिला है, भारत का जो उत्तराखंड है वहां का जो पिथौरागढ़ जिला है वहीं पर ये काला पानी का जो क्षेत्र है, तो भारत ने इसे अपने ही इसमें शामिल किया है, मैप में शामिल किया है। तो नेपाल का कहना है कि ये क्षेत्र जो है वो इनका है, यहां से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है काली नदी, इसका नाम है काली नदी, और ये नेपाल के, नेपाल का जो पश्चिम साइड है वहां से ये बहती है, और यहाँ पर एक जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, क्या नाम है उसका, नाम है लिपुलेख दर्रा। एक और जगह है और वो जगह कौन सी है, लिप्यामथुरा। नेपाल कहता है ये तीनों जो जगह हैं ये किसके हिस्से हैं, नेपाल के हिस्से हैं। 1816 में सिगोली जल संधि हुई थी, तो उस समय नेपाल ने और भारत के बीच ये संधि हुई थी, तो काला पानी का क्षेत्र जो है वो भारत के हिस्से में आता है। 1929 में भारत ने जब मैप जारी किया था तो उसमें नेपाल ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन 2 नवंबर 2019 को नेपाल का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र जो है वो किसके अधीन है, ये नेपाल के अधीन है। तो ये काला पानी विवाद जो है ये भारत और नेपाल के बीच में अभी चल रहा है। ठीक है, एक बात और रह गई है, वो क्या इम्पोर्टेंट बात है कि अब जम्मू कश्मीर में अब कितने जिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में अब कुल 20 जिले हैं। कितने जिले हैं, कुल 20 जिले हैं। तो उन जिलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जो पाकिस्तान से शामिल किए गए हैं, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में जो थे उन्हें शामिल किया गया है, ऐसा पाकिस्तान मानता था कि ये हमारे क्षेत्र में है। तो देखिए, एक मुजफ्फराबाद, बारामूला, पुंछ और मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर,
ये पाकिस्तान कहता है कि ये इनके हिस्से थे लेकिन भारत के मानचित्र में अब ये शामिल कर लिए गए। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।